NA 249 का पार्टी टिकट अमजद अफरीदी को देने पर पीटीआई में शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए। पीटीआई के रुकन सिंध असेंबली मलिक शहजाद अवान ने इस्तीफा दे दिया है। NA 249 का पार्टी टिकट अमजद अफरीदी को देने पर पीटीआई में शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए, जिसके बाद पीटीआई के रुकन सिंध असेंबली मलिक शहजाद अवान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मलिक शहजाद अवान का NA 249 के इलेक्शन का अहम फैसला सामने आया है। रुकन सिंध असेंबली मलिक शहजाद अवान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड की जानिब से नामुनासिब उम्मीदवार को NA 249 का टिकट देने पर इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीला जान लेते हैं। फैसल खान, ने इस्तीफा दिया गया है, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हैं, बल्दिया से ये जो है इलेक्ट हुए थे मलिक शहजाद अवान। अब इन्होंने अपना इस्तीफा जो है अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख और गवर्नर सिंध को भेज दिया। उन्होंने कहा है कि जो पार्लिमानी बोर्ड है जिसमें NA के इलेक्शन के लिए अमजद अफरीदी को जो टिकट दिया है वो मुनासिब नहीं है, इससे इम्कानात यही है बल्कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ वोट हार जाएगी, क्योंकि ये इस हलके से इनका ताल्लुक नहीं। और अगर वो इस पार्लिमानी बोर्ड को तमाम तर हालात से उन्हें आगाह कर दिया गया था, खत भी लिखे, लेकिन उसके बावजूद उनकी बात नहीं मानी गई। उन्होंने कहा वो पार्टी से जो है ताल्लुक रखेंगे लेकिन अपनी सीट से वो एहतजाजी तौर पर इस्तीफा देते हैं, जिसके लिए उन्होंने अपना इस्तीफा गवर्नर सिंध और हलीम आदिल शेख जो अपोजिशन लीडर सिंध है उनको भिजवा दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।